उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष सहित 14 छात्रों पर देशद्रोह का खतरनाक मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की तीखी आलोचना करते हुए बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री मायावती जी ने कहा है कि यह कदम सरकारी आतंकी मिसाल है तथा छात्र जीवन को ध्वस्त करने वाली ऐसी अनावश्यक क्रू कार्रवाई से सरकार को दूर रहना चाहिए। एक तरफ जहां बीजेपी सरकार द्वारा बोलने की आज़ादी को समाप्त करने के क्रम में देशद्रोही जैसे गंभीर व सख्त कानून को मजाक बना दिया गया है, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की नई सरकार में भी पूरी तरह से पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए गोहत्या के शक में कई मुसलमानों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत बर्बर कार्रवाई कर रही है। एमपी की कांग्रेस व यूपी की बीजेपी सरकार दोनों ही सरकारों की इस प्रकार की क्रूर कार्रवाई सरकारी आतंक की जीती जाती मिसाल है। इस प्रकार कांग्रेस पार्टी व बीजेपी दोनों ही पार्टियों की सरकारें जातिवाद होने के साथ साथ सांप्रदायिक द्वेष की भावना के तहत साफ तौर पर काम करती हुई लगती है। मायावती जी ने कहा है कि वैसे तो बीजेपी सरकारों की सह व संरक्षण में देश भर में दलित उत्पीड़न, जातिवाद, द्वेष, पिछड़े वर्ग की घोर उपेक्षा, मुस्लिम समाज के प्रति घृणा व हिंसा के साथ साथ अपर कास्ट समाज के गरीबों के हितों के साथ साथ खिलवाड़ करते रहने आदि से पूरा देश त्रस्त व दुखी तथा तनाव का जीवन व्यतीत कर रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नई सरकारें भी वही काम कर रही है जो बीजेपी सरकार जानबूझकर दलित, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों के खिलाफ द्वेष में किया करती थी। ऐसा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, भोजन हलचल न्यूज़।